गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेपीएससी में जो खोटा पेपर है, जेपीएससी मुख्य परीक्षा में जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर टू खोटा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है वो है 150, ठीक है। ये 150 नंबर की एग्ज़ाम होगी और इसमें टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसको खंड वाइज इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से खंड पहला खंड में जो है भाग का खोटा भाषा से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, खोटा भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि जो खोटा भाषा है वो उसका उद्भव कहाँ से हुआ, उसका विकास कहाँ से हुआ, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, उसके बारे में से इसमें बताया गया है। उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। उसके बाद सेकंड जो है खोटा भाषा की विशेषता, तो खोटा भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो है वो खोटा भाषा का व्याकरण, व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, निर्णय, काल, क्रिया, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ठीक है। और उसके आगे देखिए फिर है ये शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप मानकीकरण। उसके बाद आपको है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपि समस्या विशेषताएं तथा विकास, क्या लिपि समस्याएं हैं इसमें, इसका क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद है खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं के साथ विभिन्नताएं, यानी कि जो आर्य भाषा है और अनार्य भाषा है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि अगर खोटा है तो खोटा जो बाकी जो भाषाएँ यहाँ पर हैं बोली जाती है, कुरमाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, तो उनसे कैसे ये डिफरेंस है, कैसे अंतर है, तो उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। उसके बाद जो भाग ख है उसमें है खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, विशेषताएं एवं महत्व। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे आगे, खोटा लोकगीत की परिभाषा विशेषताएं, देखिए लोक साहित्य लोकगीत के बारे में आपको यहाँ पे इसका परिभाषा पढ़ना है, विशेषताएं, महत्व, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण, कितने भागों में उसे बांटा गया है वो, और लोकगीतों में विविध विविध चित्रण, ठीक है। उसके बाद एक खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास वर्गीकरण एवं महत्व। उसके बाद है लोक गाथा, उसके बाद है नेक्स्ट है लोक प्रकीर्ण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य के अंदर 4 पार्ट होते हैं, जिसमें लोकोक्ति है, मुहावरा है, पहेली है और मंत्र। उसके बाद है खोटा शिष्ट साहित्य भाग ग, शिष्ट साहित्य के अंदर क्या क्या पढ़ना है, काल विभाजन, जो खोटा साहित्य का जो काल विभाजन है वो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो इसे पढ़ना है कि कब से कब मध्यकाल माना जाता है, कब से कब तक आदिकाल माना जाता है और कब से कब आधुनिक काल माना जाता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है इसमें। और उसके बाद जो है वो है खोटा पद साहित्य का उद्भव और विकास, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, गीत, कविता। उसके बाद है खोटा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, देखिए इसका विकास कहाँ से हुआ, इतिहास क्या है, कहानी का, उपन्यास का, नाटक का, आत्मकथा का, जीवनी का, यात्रा वृत्तांत का, निबंध, शब्द चित्र, संस्मरण। उसके बाद है खोटा साहित्य एवं साहित्यकार एवं साहित्य, यानी कि जो भी राइटर है, जो भी लेखक है, उनके बारे में पढ़ना है यहाँ पे, और उनके साहित्य के बारे में उन्होंने क्या रचना की है। खोटा साहित्य के विकास से पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट है खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों, कलाकारों की कृतियाँ का परिचय, उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको पढ़ना है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जिनका
जो उपनाम है, व्याकुल, एके झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसुंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदार। उसके बाद है खोटा निबंध। खोटा निबंध में आपको क्या क्या पे निबंध लिखने के लिए आ सकता है? समसामयिक विषय पर, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही, समसामयिक यानी जो करंट, जो लेटेस्ट न्यूज रहती है उसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। सांस्कृतिक विषय पे, सामाजिक विषय पे, आर्थिक विषय पे, भौगोलिक विषय पे आ सकता है। उसके बाद है खोटा संक्षेपण। इसमें क्या है, संक्षेपण का मतलब होता है समरी। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा उसमें, और वहाँ उसका आपको संक्षेपण लिखना होगा। कोई शीर्षक दिया रहेगा, उसका संक्षेपण आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना होगा। मान लीजिए 250 शब्द में अगर दिया हुआ है, तो उसको आपको 50 से 60 शब्द में लिखना है। समरी का मतलब होता है 1/3 लिखना, ठीक है? 1/3, अगर 100 दिया हुआ है तो आपको कम से कम 30 33 शब्द तक में आपको उसे पूरा जो थीम होता है उसे लिख देना है। उसके बाद है खोटा गद्यांश। इस भाग में परीक्षार्थी को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोटा भाषा देवनागरी लिपि में अनुवाद करना है। यानी कि कुछ गद्यांश दिए रहेंगे जो कि हिंदी में लिखा रहेगा, उससे आपको क्या करना है, खोटा में आपको अनुवाद करना है। उसके बाद क्या है, खोटा अनुच्छेद से प्रश्न। इस भाग में परीक्षार्थी को दिए गए अनुच्छेद पढ़कर खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? अनुच्छेद दिया रहेगा, उसे पढ़कर आपको 3 उत्तर देना है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये था खोटा का सिलेबस। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें बताया गया है कि हाँ इससे इतना इतना क्वेश्चन, खंड 1 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह का। तो सबसे पहले मैं जो अभी क्लास स्टार्ट करूँगा, इसमें सबसे पहले हम लोग भाग का जो खोटा भाषा है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें खोटा भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम खोटा भाषा की विशेषताएं, इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले जो है इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। हो सकता है इसमें आगे पीछे हो, मैं हो सकता है कि व्याकरण को पहले करूँ, उसके बाद ये उद्भव विकास करूँ, फिर इसकी विशेषताएं करूँ, ठीक है? लेकिन हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खोटा भाषा के बारे में, ठीक है? ये टॉपिक हमारा जो है, यहाँ से ये 6 टॉपिक है, इससे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। फिर जो जो हो जो 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 आसान टॉपिक है, क्योंकि अभी जो टाइम बहुत कम मिलेगा, दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम होनी है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट है और जो जल्दी कम समय में किया जा सकता है उसे पहले कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी न्यूज़ और जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसे आपको नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे मिल जाए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस होती है अपलोड उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि जो खोटा का है वो लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सेटअप की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है? अगर देखिए, अगर सेटअप अगर हो जाता है तो फिर लाइव क्लास चलेगा, ठीक है? और जब तक सेटअप नहीं होता तब तक ऑफलाइन क्लास ही चलेगा, ठीक है? मैं उसका वीडियो दे दूंगा, और आप बाद में जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।